नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न 8 करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न को आप ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा लंबा है प्रश्न, मुझे पता है, मगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से अवश्य समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इसको आप ध्यान से बेटा समझना। देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके पहले प्रश्न पढ़वा रहा हूँ। आकृति 12.26, एक दौड़ने का पथ। ये देखो, साइकिल जैसे रनिंग ट्रैक होता है ना बेटा, ये किसी पार्क के आसपास, तो ये रनिंग ट्रैक है, ये वाला ये रनिंग ट्रैक बना हुआ है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। अब देखो, बायां सिरा ये भी और ये भी, ये अर्धवृत्त है, एक तरह का आधा सर्कल है। इसी प्रकार से दाई तरफ भी ये भी आधा सर्कल है और ये भी आधा सर्कल है। हालांकि ये देखने में आपको वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक तरह से आधा सर्कल है, ये सर्कुलर है। ठीक है बेटा, तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। आप पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस ये और ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 60 मीटर है। उसके बाद इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। अब इस बात को भी हमें ध्यान से समझना है कि ये 106 मीटर क्या है। ये 106 मीटर है। यदि मैं यहाँ से ये गोल हो रहा है वहाँ तक इस प्रकार से मार्किंग कर दूँ, और इस प्रकार से जहाँ से ये गोल हो रहा है वहाँ भी इस प्रकार से मार्किंग कर दूँगा, तो इस रेखाखंड, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो रेखाखंड है ये 106 मीटर है। यहाँ तक ऐसे, तो ये नीचे वाला रेखाखंड भी 106 होगा, ये रेखाखंड भी 106 होगा, ये रेखाखंड भी 106 होगा और ये रेखाखंड भी 106 होगा, है ना बच्चों। उसके बाद यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये जो पथ है ये इतना, ये है 10 मीटर चौड़ा है ये वाला पथ, ये जो है, तो यानी कि ये भी 10 मीटर चौड़ा, ये भी 10 मीटर चौड़ा, ये भी 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है बच्चों, और हमें कुछ भी नहीं दिया है प्रश्न में। अब हमसे पूछा क्या गया है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चलाई गई दूरी। यदि अंदर वाला, देखो ये होता है बाहर वाला किनारा ट्रैक का, पथ का, ये है अंदर वाला किनारा। मान लो एक बच्चा यहाँ से शुरू करता है, वो इसके अंदर वाले किनारे की ओर दौड़ना शुरू करता है, ऐसे 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 इस प्रकार से अंदर की ओर ही दौड़ना शुरू करता है अंदर वाले किनारे के अनुदिश, तो कुल दूरी यहाँ से शुरू करके कुल दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, दूसरा है पथ का क्षेत्रफल, वो हम बाद में आपको दिखाते हैं। ये जो पथ आपको सारा दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान से समझना है, पूरी ध्यान के साथ मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक बच्चे ने यहाँ से दूरी दौड़ना शुरू किया। सबसे पहले ये इतनी दूरी दौड़ेगा, वो कितनी है 106 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर वो ये गोल दौड़ेगा। गोल क्या है, ये एक आधा वृत्त है, पूरा नहीं आधा वृत्त है, यानी वो आधा वृत्त दौड़ेगा, यानी हम निकालेंगे वृत्त की परिधि, उसका आधा, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, उसके बाद फिर वो 106 मीटर ये वाली दूरी दौड़ेगा, फिर वो यहाँ पे फिर एक आधा वृत्त दौड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कुल दूरी बराबर, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से शुरू करेगा 106 मीटर प्लस उसके बाद ये गोल चक्कर, इसको बाद में देख लेते हैं, ये 106 मीटर ये भी मैं साथ में लिख देता हूँ 106 मीटर प्लस ये गोल दूरी, है ना। तो इस वाली गोल दूरी को, अंदर वाली साइड को मैं लिखता हूँ वृत्त की परिधि, जो कि होती है 2πr पूरे वृत्त की, इससे आधी हो जाएगी आधे वृत्त की। इसी प्रकार से यहाँ भी पूरे वृत्त की परिधि होती है, परिमाप होता है, दूरी होती है 2πr, आधे वृत्त की हो जाएगी बटा दो। ठीक है, अब कहने की ज़रूरत नहीं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। आइए अब हम इसे हल करते हैं। कुल दूरी हो जाएगी 106 और 106 तो हो गया 212 प्लस इसमें आगे हम देख लेते हैं कितना बनता है ये। ओके, तो देखिए
ये है पाई आर प्लस पाई आर, दो दो कट गया, पाई आर प्लस पाई आर हो गया 2 पाई आर। इसको हल करना है 212 प्लस, आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा है, 2 गुना पाई 22/7 गुना आर। अब हमने देखना है आर कितना है। बच्चों देखो ये कुल दूरी थी 60 मीटर, देखो इन दोनों के बीच की दूरी 60, तो यानी कि इसका व्यास हो गया 60, तो त्रिज्या कितनी होगी 30। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 212 प्लस 30 दुनी 60, 60 को हम जब 22 से गुना करेंगे तो वो बन जाएगा 0, 6 दुनी 12 हासिल आया 1, 6 दुनी 12 और 1 13, 1320/7। इनका हम लेंगे लघुत्तम, 7 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 7, 7 को 1 से भाग किया 7, 7 को ऊपर गुना कर दो 7 दुनी 14 हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दुनी 14 प्लस 1320, 7 को 7 से भाग किया 1, 1 को 1320 से गुना किया 1320। तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 4 में 0 प्लस किया 4, 8 में 2 प्लस किया 0 हासिल आया 1, 4 में 3 प्लस किया 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2804/7 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में दूरी है। इसका मतलब जो हमारा पहला भाग था इस प्रश्न का, कुल दूरी यानी कि अगर एक बच्चा यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा अंदर वाली साइड पथ के, यहाँ दौड़ेगा 106 मीटर प्लस आधा गोल ये, फिर 106 मीटर ये, फिर गोल ये, तो ये जो कुल दूरी अंदर की तरफ है वो कितनी आ गई, 2804/7 मीटर। तो इसका मतलब ये हमारा इस प्रश्न का पहला भाग जो है वह हल हो गया है, पहला भाग हल हो गया है। अब हमें निकालना है इस प्रश्न का दूसरा भाग। दूसरा भाग है पथ का क्षेत्रफल। पथ के क्षेत्रफल का मतलब है ये पथ है, देखो ये वाला, ये जिसको मैं शेड करता जा रहा हूँ, ये सारा पथ का ये पथ है ना बेटा, ये ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक, जो मर्जी हम इसको कह सकते हैं। इसका हमने, ये जो मैंने हरे रंग से शेड किया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब बेटा फिर से आप ध्यान देना, मैं इसका दूसरा भाग यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना बच्चों। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, एक आयत, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जिसमें ये दूरी है 106 मीटर, ये दूरी है 10 मीटर क्योंकि इसकी चौड़ाई 10 मीटर है पथ की, तो 106 मीटर और 10 मीटर वाला एक रेक्टेंगल यहाँ, 106 मीटर और 10 मीटर वाला एक रेक्टेंगल यहाँ, दो तो ये रेक्टेंगल यानी दो आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 106 गुना 10। उसके बाद आधे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ और आधे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ, इनको भी प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए अब इसे लिखना है हमने बच्चों, ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। देखो पथ का, ये हमारा यहाँ से सेकंड भाग शुरू हो गया इस प्रश्न का, पथ का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है, ये एक आयत है तो हम इसको लिखते हैं ऐसा, एक आयत नीचे है और एक आयत ऊपर है, तो मैं इसको लिखता हूँ दो, दो आयत यानी 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, है ना बेटा, दो आयत हो गए ना, देखो एक आयत यहाँ पर और एक आयत यहाँ पर हो गया, तो दो आयत हो गए। इसी प्रकार से एक आधा वृत्त यहाँ, एक आधा वृत्त यानी अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त यहाँ, एक अर्धवृत्त यहाँ, दोनों के क्षेत्रफल प्लस करना है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो आइए अब हम इसे हल करेंगे, तो हमारे पास पथ का क्षेत्रफल आएगा। देखो बच्चों, आयत, आयत की लंबाई है 106 मीटर पहले हमें दी हुई थी, और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, कितनी चौड़ाई है देखो, 10 मीटर। आयत का पहले तो ये दो लिख लो, क्योंकि दो आयत थे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो मैंने फार्मूला लिखा है अभी आपके लिए। इसी प्रकार से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का हो जाएगा, उसको दो से भाग कर दो। आइए अब हम इसको करते हैं, दो गुना लंबाई 106 मीटर थी ना बेटा, ये 106 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, प्लस यहां पे आ जाएगा दो गुना पाई, पाई होता है 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर। अब बच्चों फिर से वही चीज कि हमने आर कितना लेना है, क्योंकि ये एक रिंग बन गया, रिंग बन गया ना, बाहर वाली त्रिज्या और अंदर वाली त्रिज्या, तो रिंग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, छोटी ब्रैकेट में ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, तो पाई इंटू, यहां से एक ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं हम, आर का स्क्वायर, बड़ी आर, बड़ी आर यानी बड़ी त्रिज्या, ये मान लो इसका केंद्र है, तो यहां से बड़ी आर 30 मीटर ये है प्लस 10 मीटर ये है, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 मीटर, यानी 40 का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या यानी अंदर वाली आंतरिक त्रिज्या वो है 30, क्योंकि ये पूरा 60 है, 60 का आधा 30, 30 का स्क्वायर। बेटो जिस स्टेप से आपके बच्चों ना समझ आए ना, आप वहां से दोबारा वीडियो चला के देख लेना, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से करना है, ठीक है, थोड़ी सी कटिंग होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये एक रिंग बन गया, एक बाहर वाली त्रिज्या बाह्य त्रिज्या है और एक आंतरिक त्रिज्या है, तो इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो ये एक रिंग बन जाता है बच्चों। रिंग, रिंग का जो क्षेत्रफल होता है, होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर यानी बाहरी वाली त्रिज्या और स्मॉल आर यानी अंदर वाली त्रिज्या। अब हमें सिर्फ इसको हल करना है बच्चों और कुछ नहीं। 106 को 2 से गुना किया 212, 212 को 10 से गुना किया तो ये आ गया 2120, ठीक है। अब इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, जो यहाँ से हल आएगा, देखो ये हो गया 22 दूनी 44 बटा 7 गुना 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 30 का स्क्वायर होता है 900, 1600 में से 900 माइनस कर दिया 700, ये समझ आया बेटा। 40 का स्क्वायर, 40 गुना 40 होता है 1600 माइनस 30 का स्क्वायर, 30 गुना 30 होता है 900, 1600 माइनस 900 हो गया 700। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 7 से 700 कट गया 100 पे, तो ये हमारे पास आ गया 2120 प्लस 44 को जब 100 से गुना किया तो ये आ गया 4400। अच्छा बच्चों एक ये दो भी था यहाँ पे, है ना, तो इस दो को हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये दो से दो कट जाएगा, तो यहाँ पर बाकी बच गया सिर्फ 22, तो 22 गुना 100 हो गया 2200, ठीक है। अब देखिए 2120 में 2200, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, दो में जीरो प्लस किया दो, एक में दो प्लस किया तीन, और दो में दो प्लस किया चार, यह आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है 4320 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आया है, ये जो हमने हरे रंग से शेड किया था सारा सारा पथ, उसका क्षेत्रफल आया है। कैसे आया है बच्चों, एक ये वाला रेक्टेंगल आयत, दूसरा ये वाला आयत, तो हमने लिखा दो गुना आयत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आधा वृत्त ये है और आधा वृत्त ये, तो आधा वृत्त और आधा वृत्त यानी
दो गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इनको जब हमने हल किया है तो ये हमारे पास इस प्रकार से 4320 मीटर स्क्वायर उत्तर आया है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, मैं धीरे धीरे आपको इसको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ ताकि जब आपको लिखने में इसको आसानी हो। देखिए ये पहला भाग था जिसमें हमने की कुल दूरी निकाली थी। आप वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं जब आपको लिखना होगा। ये हमने कुल दूरी निकाली है, ठीक है बच्चों, ये इसका पहला भाग था इस प्रश्न का। आप इसको रोक कर वीडियो को यहाँ आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये इसका दूसरा भाग है जिसमें हमने पथ का क्षेत्रफल निकाला था, ठीक है, पथ का। इसका थोड़ा सा भाग और भी है, पथ का क्षेत्रफल आप वीडियो को देख कर इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद ये इसका बाकी भाग है जिसमें 4320 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर आया है। तो आशा करता हूँ, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, मेरे को कितना बड़ा पेज लग गया इसको लिखने में। तो आशा करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको समझ आएगी, अच्छी लगेगी। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न अच्छे से समझ आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों के वीडियोज़ भी देखकर और उन्हें अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।